नमस्कार, बिहार बेटा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मुहर्रम के बाद दरभंगा में शांतिपूर्ण व्यवस्था को बहाल करने के लिए दरभंगा जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तरह अपने टीम अपने नेटवर्क के जरिए काबू पा लिया। हालांकि कई जगह आपस में ही छिटपुट की घटना है। मुहर्रम के लाठी भाजने के लिए आपस में जख्म हुए, घायल हुए और इलाज हो गया, लेकिन कोई बड़ी वारदात जिसकी साजिश थी वो नहीं हो पाया। कहा जाता है कि सूत्रों की माने तो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए मुहर्रम के समय में ही इस तरह की घटना को एक अंजाम दिया गया था। हालांकि इस पर सवाल भी उठे, लेकिन हम बता दें कि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हम बता दें कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने नेहू के घटना के बाद से पूरी तरह एक चेतावनी दी है कि जिस तरह घटना घटी है, अगर कोई उपद्रवी इस तरह की घटना और वारदात को अंजाम देंगे तो उनके खिलाफ अब ये लोग भी सतर्क हो जाएंगे। हम बता दें, राजीव मधुकर जो कि खुद दरभंगा डीएमसीएच में इलाज करा रहे हैं, गौरतलब है कि सोमवारी के दिन वो गिर जाने की वजह से उनके हाथ की जो हड्डी पहले से टूटी थी उसमें रॉड लगा था, अब वहां पर प्लेट लगा दिया गया है। हालांकि वो अभी इलाज करवा रहे हैं और डीएमसीएच में जा रहे हैं। लेकिन दरभंगा में विगत कुछ दिनों घटी घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, जिला प्रशासन को चाहिए कि जो उपद्रवी हैं सीसीटीवी फुटेज को सर्च करें और पूरी ईमानदारी के साथ न्याय देते हुए जो गलत है उसे गिरफ्तार करें, उसे कड़ी सजा दें, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो निर्दोष हैं, उन लोगों को राहत देते हुए उन्हें छोड़ा जाए। इस बात को लेकर राजीव मधुकर ने आज कई बातें कही और उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बहाल करने में उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बात में बात बिगड़ गई और इस तरह की घटना हुई। इसलिए जिला पुलिस का भी कर्तव्य बनता है कि ईमानदारी के साथ कार्य करें और जो वास्तव में उपद्रवी है उसे गिरफ्तार करें। देखिए क्या करते हैं। हमारा जो है दूसरे सोमवार को पुल तोड़ने के क्रम में गिर गए थे, तो बहुत ज़्यादा इंजोर हो गए थे, भर्ती है, ऑपरेशन हुआ है मेरा। देखिए, कहीं न कहीं ये प्रतीत होता है कि हम हिंदुओं पर बहुत ही ज़्यादा आक्रमण होने लगा है। हिंदू केवल शास्त्र का ज्ञान ले रहे हैं, शस्त्र का ज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसका कारण भी हो सकता है। जैसा कि अभी वर्तमान स्थिति जिस प्रकार से है कि जहाँ भी हिंदुओं का यात्रा हो, पूजा अर्चना हो, कोई सभा हो, वहाँ विशेष लोगों के द्वारा हमला होना, हिंदुओं पर आक्रमण करना, मंदिरों को तोड़ फोड़ करना, ये निंदनीय है। अभी जिस प्रकार से वहाँ घटना हुई है उसके विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर में इस्लामिक जिहादी के पुतला, जिहादियों का पुतला दहन किया गया। अगर हम लोग एक चेतावनी देने का प्रयास किए हैं, एक बार में, एक समय पे, एक डेट में पूरे देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा जो पुतला दहन हुआ, ये एक चेतावनी है कि जिहादी मानसिकता जो है वो ख़त्म करे और जो आपसी द्वेष है उसको बंद करे। धर्म सबका अपना अपना सामान्य होता है, किसी के धर्म पर उंगली करने का प्रयास न करें, हमला न करें। अगर आगे ऐसा ही होते रहा तो संगठन इस पर विचार करेगी, संगठन का जो हम लोगों को आदेश आएगा हम लोग फिर पुनः इसी तरीका से जैसे हम लोगों ने कल पुतला दहन का एक कार्यक्रम करके किया और ऐसा ही सांख्यिकीय रूप से हम लोग जो है नियंत्रण विरोध प्रकट करते रहे। सेच में आप भर्ती हैं तब भी? देखिए, ये घटना निंदनीय है और कोई लोग अगर उत्सव के नाम पर उदंडता करते हैं तो ये अपराध है, पुलिस को उसकी सुस्तम रूप से जांच होनी चाहिए। और जो लोग इसमें निर्दोष है वैसे लोगों को पुलिस को छोड़ देना चाहिए और जो दोषी है और उस जैसे कि उस दिन घटना हुई थी तो शायद रविवार का दिन था और हम लोगों को पता चला, वहाँ से कुछ लोगों के द्वारा सूचना है तो हम लोग के यहाँ से भी गए थे हम लोग उस स्थान पे और शांति समिति के मेंबर भी आए थे कुछ लोग और मुहर्रम कमेटी से भी कुछ लोग आए थे। तो बस एक झंडा का बात था कि नया जगह पे झंडा मंदिर की प्रॉपर्टी है, वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो बैठकर हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा किया, मुहर्रम कमेटी के सचिव भी थे, शांति समिति के भी लोग थे, अजय जलानी थे और दो चार लोग और थे।
वहाँ पर यही निर्णय हुआ, दूसरे पक्ष के लोग भी थे और दोनों पक्ष के लोग वहाँ पर बैठकर निर्णय लिए कि नए तरीके से जो चीज जो पूर्व से होते आया है वो करे और नया तरीका से कुछ न करे, ऐसा समझौता हो गया था। लेकिन कुछ उदंडता करने वाले लोग जो अपने आदत से बाध्य नहीं आते हैं, जो हमेशा अशांति फैलाने का काम करते हैं, वैसे लोगों का कारनामा जो शहर के अंदर इतना बड़ा घटना हो गया। बात हुई थी कि सामने से झंडा हटाकर उसके ठीक सामने अपोजिट लगा देने के लिए, वो जो बड़ा सा जो पॉल पे बैनर लगा हुआ उसमें लगाने का, लेकिन कुछ लोग जो है मुश्किल से 8 से 9-10 लोग उधर का है जो सामने में मंदिर के सामने में लगाने का प्रयास किया, इसी पर तनाव हो गया, प्रशासन की संख्या बहुत कम थी, काबू नहीं कर पाए। हम लोग और शांति समिति के मेंबर जितना हो सके अपने स्तर से पूरे कोशिश करके, मैं घायल भी था उस समय भी, अपने लोगों को दोनों पक्ष के लोगों को समझा बुझा कर शांत करने का प्रयास किया, लेकिन हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बाद में हम सभी लोगों को उस बीच से निकल कर साइड होना पड़ा और जाकर इतनी बड़ी घटना हो गई। ये बहुत निंदनीय है, बहुत दिक्कत हुई कि उत्सव के समय इतनी बड़ी घटना, आहत पहुंचाने वाली घटना है। इसके लिए कई जगह इस प्रकार की घटनाएं छोटी छोटी होती रहती है। इस पर अब क्या, इस पर क्या करेंगे, प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो इसमें आपके पास सीसीटीवी फोटोज वगैरह सारा चीज़ है, आप उस चीज़ को देखिए और जो इसमें दोषी है वैसे लोगों पर आप कार्रवाई कीजिए। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।